वाले हो, अच्छे दिन क्या लाओगे, घर चला नहीं सकते, देश क्या चलाओगे, तुम तो चाय वाले हो, अच्छे दिन क्या लाओगे, घर चला नहीं सकते, देश क्या चलाओगे। शेर शेर देखिएगा, तुम तो चाय वाले हो, स्वच्छ हो गई सड़कें, स्वच्छ हो गई गलियां, स्वच्छ हो गई सड़कें, स्वच्छ हो गई गलियां, गंदी राजनीति को स्वच्छ कब बनाओगे, गंदी राजनीति को स्वच्छ कब बनाओगे, तुम तो चाय वाले हो, अच्छे दिन क्या लाओगे। शेर देखिएगा हजरत, तुम तो चाय वाले हो, अच्छे दिन क्या लाओगे, घर को वापसी का ये खेल छोड़ दो वरना, घर को वापसी का ये खेल छोड़ दो वरना, तुम भी छोड़ कर दिल्ली घर को लौट जाओगे, तुम भी छोड़ कर। जी हजरत बिल्कुल, घर को वापसी का ये खेल छोड़ दो वरना, घर को वापसी का ये खेल छोड़ दो वरना, तुम भी छोड़ कर दिल्ली घर को लौट जाओगे, तुम भी छोड़ कर दिल्ली घर को लौट जाओगे, घर चला नहीं सकते, देश क्या चलाओगे। शेर देखिएगा हजरत, पूछती है ये बीवी कब टलेगी महंगाई, पूछती है ये बीवी कब टलेगी महंगाई, खट्टी दाल और पापड़ कब तलक खिलाओगे, खट्टी दाल और पापड़ कब तलक खिलाओगे, तुम तो चाय वाले हो, अच्छे दिन क्या लाओगे, घर चला नहीं सकते, देश क्या चलाओगे। तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि सलाम का जवाब देना फर्ज है, सब ने जवाब दिया माशाल्लाह। ये मजलिस एक्सप्रेस के सालगिरह पे बहुत बहुत मुबारकबाद। माइक वाले भैया, माइक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दो, फुल कर दो। दोस्तों, मैं सफीक भाई को मुबारकबाद देता हूँ और लड्डन चाचा को, जिनका प्यार मिला हमें। मैं चार मिसरे पढ़ता हूँ। पेशावर पाकिस्तान, जो मासूम बच्चों के साथ खून की होली खेली गई, ये शायद इस्लाम ये चीज की इजाजत नहीं देता, ये कुरान नहीं कहता। मैं वहीं से शेर पढ़ता हूँ और सबकी दुआएं चाहता हूँ। पढ़ा है जो भी कुरान, वो
ये मंजर ना ढहाएगा, पढ़ा है जो भी पुरिया वो ये मंजर ना ढहाएगा, कभी भी बेगुनाहों पे वो खंजर ना उठाएगा, कभी भी बेगुनाहों पे वो खंजर ना उठाएगा। है जो भी आपकी उम्मत पढ़ा है कलमे तैयब, अब अगले मिसरे पर आप सबका साथ चाहता हूँ। है जो भी आपकी उम्मत पढ़ा है कलमे तैयब, वो बच्चों के खूनों का समंदर ना बहाएगा, वो बच्चों के खूनों का समंदर ना बहुत बहुत शुक्रिया, सबकी दुआएं मिल रही हैं। मैं एक शेर और पढ़ता हूँ। अभी दो दिन पहले व्यक्ति विशेष आ रहा था, क्या मोदी जी के होंगे मुसलमान, उनकी पार्टी के एक लीडर हैं हमारे कौम के मुख्तार अब्बास नकवी। तो मीडिया जब उनके पास गई, सवाल पूछे कि ये बताइए आपसे और आपकी पार्टी से मुसलमान क्यों खिलाफ रहता है, आपके साथ नहीं होते, तो हमारे उलमाओं पे इल्जाम लगाए। वो कहते हैं कि देश के उलमा जो है ये सेकुलर उलमा ये मुसलमानों को दूर कर रहे हैं। मैं वहीं से शेर पढ़ता हूँ। मुझे लगा कि सबको मरना है एक दिन, सबको अल्लाह के पास जाना है और अल्लाह पास पूछेंगे क्या किया, जिसके पास जितना बड़ा पद रहेगा उससे वैसे हिसाब हो। मैं शेर पढ़ता हूँ, ये कहता मैं शेर पढ़ता हूँ, गरीबों का मैं घर छपे और सामान बेचा, शायद ये जवाब देंगे ना, गरीबों का मैं घर छपे और सामान बेचा हूँ, मुसलमान हूँ या कोई और ये पहचान बेचा हूँ, मुसलमान हूँ या कोई और ये पहचान बेचा हूँ, खुदा जो कल को पूछेगा किया क्या नकली दुनिया में, खुदा जो कल को पूछेगा किया क्या नकली दुनिया में, तो कह देना कि मोदी जी को मैं ईमान देता, तो कह देना मैं पेश करता हूँ, वक्त बहुत कम है, मैं तवील है, मैं इंशाल्लाह सबका मैंने पहना, मैं पढ़ता हूँ, मैं पेश मैं शेर पढ़ता हूँ दोस्तों। अभी अभी नहीं भाई भाई आप बैठ जाइए, नहीं वक्त बहुत कम है भाई, वक्त बहुत कम है, शेर पढ़ता हूँ आपसे सुनिए, मैं शेर पढ़ता हूँ। अभी गुजरात में बीजेपी की सांसद उमा भारती एक जनसभा की और उसने कहा कि जैसे 20वीं सदी में महात्मा गांधी जी देश के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, वैसे 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको महात्मा गांधी से जोड़ते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ और आप सबका साथ चाहता हूँ। महात्मा गांधी शायद गुजरात नहीं जलाए थे, महात्मा गांधी और उनके साथी कभी घर वापसी की बात नहीं करते थे, महात्मा गांधी और उनके साथी कभी जिहाद की बात नहीं करते थे। मैं वहीं से शेर पेश करता हूँ और सबका साथ चाहता हूँ, दुआएं चाहता हूँ।
देखिए एक झूठे को सच्चे का साथी कह दिया, देखिए एक झूठे को सच्चे का साथी कह दिया, और वतन के अमन का भी उसको आधी कह दिया, और वतन के अमन का भी उसको आधी कह दिया। है जलाया जिंदा जो गुजरात को है दोस्त, अगले मिस्र पर सबकी दुआएं मिले। है जलाया जिंदा जो गुजरात को है दोस्त, उसको ही जाहिल उम्मत पाप गांधी कह दिया, उसको ही जाहिल उम्मत पाप गांधी कह दिया। मैं एक शेर और पढ़ता हूँ और शायरों को अभी पढ़ना है, ज्यादा वक्त नहीं है। अभी कभी बाबरी मस्जिद की बात तो कभी ताजमहल की बात। अभी बीजेपी का अध्यक्ष कहता है ये ताजमहल नहीं तेजो महल। मैं वहीं से शेर पढ़ता हूँ और सबका साथ चाहता हूँ। जहाँ देखो वही नफरत का ये दंगल बना डाले, क्या कहने भाई। जहाँ देखो वही नफरत का ये दंगल बना डाले, महज ये छह महीनों में वतन जंगल बना डाले, महज ये छह महीनों में वतन जंगल बना डाले, के हमको बाबरी मस्जिद का गम डूबा भी ना था कि, मस्जिद का गम डूबा ना था कि, ये जालिम ताज को मेरे तेज महल बना। क्या बात है भाई, हक है।